नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। नियमित रूप से योग साधना करके, योगमय जीवन जी करके, योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना करके हम मात्र स्वास्थ्य ही नहीं पाते, हम आनंद पाते हैं। हम तन के धरातल पर स्वस्थ रहते हैं, मन के धरातल पर स्वस्थ रहते हैं और हम आनंदमय जीवन जीना सीख लेते हैं। योग की बहुत सुगम सी क्रियाएं, जिनमें से विशेष रूप से पवन मुक्त क्रियाएं, यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम ही है पवन मुक्त। पवन मीन्स विंड, मुक्त मीन्स टू रिलीज। सो दीज आर द प्रैक्टिसेस विच हेल्प्स अस इन रिलीजिंग विंड फ्रॉम आवर बॉडी। या और सुगम तरीके से समझे तो हमारे जोड़ों में, हमारे जॉइंट्स में जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाते हैं उनको दूर करता है, उनको निकाल देता है। और ये जो टॉक्सिन्स हमारे अलग अलग जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं उनके कारण ब्लड का सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं हो पाता और ना ही ऑक्सीजन का संचार सही रूप से शरीर में हो पाता है। पवन मुक्त क्रियाओं में भी यदि हम पंजे से शुरू करें तो जिसको बहुत सरल भाषा में कहा गया गुल्फ नमन, गुल्फ चक्र, आपके पंजों की क्रियाएं, आपके पैरों की क्रियाएं। आपने देखा होगा कई बार जब हम बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो हमारे पैरों की नसें दिखने लगती हैं, नर्व्स हमारे पैरों की दिखने लगती हैं। या फिर जिन लोगों को वेरिकोस वीन्स की प्रॉब्लम है उनके लिए ये क्रियाएं रामबाण का कार्य करती हैं। यहाँ तक कि जिन्हें सियाटिका की समस्या है उनके लिए भी जो क्रियाएं हम आज बता रहे हैं वो बहुत बहुत लाभकारी हैं। और ये सुगम सी क्रियाएं आप दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि बहुत गुदगुदे गद्दे पर बैठकर के इसका अभ्यास नहीं करना। दिन भर की थकान, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग से होने वाली थकान, बहुत देर तक पैर को लटका करके बैठने से होने वाली थकान, बहुत देर तक ट्रैवल करने से होने वाली थकान, वेरिकोस वीन्स की प्रॉब्लम, सियाटिका की प्रॉब्लम, इन सब समस्याओं में स्टिफनेस हो जाना, इन सब प्रॉब्लम्स में रामबाण का कार्य करती हैं पवन मुक्त की ये क्रियाएँ जो आपके पंजों और पैरों से जुड़ी हुई हैं। कैसे करना है इनको ध्यान से समझिए। सबसे पहली क्रिया के लिए इस तरह से हम पैरों को सामने फैला करके बैठ जाते हैं, हाथों को पीछे टिका देते हैं और हाथों का जब सपोर्ट हो जाता है तो बहुत कंफर्टेबली बैठ जाते हैं। सबसे पहले हम अपने पैरों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करते हैं ऐसे। और जब आप पैरों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो आप पूरे खिंचाव को अनुभव करेंगे, हिप से लेकर थाइज और हैमस्ट्रिंग मसल से होते हुए नीचे पैरों तक, विशेष रूप से घुटने से नीचे के हिस्सों पर स्ट्रेच करना और फिर अपनी ओर खींच लेना। जब आप अपनी ओर खींचेंगे तो ये जो स्ट्रेच है ये और ज़्यादा आपको फील होगा। एक्सहेल, इनहेल करते हुए अपनी तरफ, एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ, ऐसा आपको 10 बार करना है। दूसरे स्टेप में हम सिर्फ अपने पंजों से, यानी पंजों से मुट्ठी बनाना, खोल देना, पंजों से मुट्ठी बनाना, सांस छोड़ते हुए इनहेल करते हुए खोल देना, इसको हम 10 बार दोहराएंगे। ऐसा करने से आपके पैरों की पूरी थकान दूर हो जाएगी। तीसरे स्टेप में दोनों पैरों के बीच में गैप देंगे और यहाँ से हम चक्राकार मूवमेंट देंगे। और जब आप ये सर्कुलर मूवमेंट देंगे तो आप अपने पैरों के हर तरफ पड़ने वाले खिंचाव को अनुभव करेंगे। 10 बार हम इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे विद नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे विद नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर पैरों को ढीला छोड़ देंगे, हाथों को भी ढीला छोड़ देंगे। यहीं से हम अगले स्टेप पर आते हैं और अगला स्टेप बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इस तरह से एक पैर को सामने फैला देंगे, दूसरे को फोल्ड कर लेंगे ऐसे। अब घुटना आपका बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, ढीला रखेंगे और यहाँ से हम अपने पैर को पकड़ करके सर्कुलर मूवमेंट देंगे, बड़ा चक्र बनाना, क्लॉकवाइज 10 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। आपके पैरों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, कभी कभी क्या होता है जब हम ओवरवेट हो जाते हैं तो हमारे पैरों में ओवरवेट की वजह से भी दर्द रहता है, दूसरे पैर से दोहराना 10 बार क्लॉकवाइज मूवमेंट। और कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, ऐसा नहीं करना है, बहुत आराम आराम से धीरे धीरे करना है,
पूरा क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, और फिर पैरों को सामने फैलाना, हाथों को पीछे टिकाना, शरीर को ढीला छोड़ देना। 10-10 बार प्रत्येक क्रिया का अभ्यास करेंगे। ध्यान रखिए, जैसा हमने कहा, पैरों की थकान, पैरों में स्टिफनेस, टायर्डनेस, बहुत देर पैरों को लटका करके बैठना, बहुत देर खड़े रहना, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, आपको वेरिकोज वीन्स की प्रॉब्लम है या फिर सियाटिका की प्रॉब्लम, इन सब समस्याओं में रामबाण का कार्य करती है पवन मुक्त क्रियाओं की, ये पैरों की क्रियाएं। आप इनका नियमित अभ्यास करें और ये ध्यान रखें कि आप अगर अपने टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालना चाहते हैं, यानी डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं खुद को, तो सबसे बेहतरीन काम ये है कि आप पानी खूब पिएं, और विशेष रूप से जोड़ों के दर्द में ये क्रियाएं बहुत लाभकारी होती हैं। और अगर आप पानी खूब पीते हैं तो आपकी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, आपके जॉइंट्स मजबूत रहते हैं, और जोड़ों के दर्द की समस्या आपको नहीं होती है।